तो हेलो दोस्तों, सुबह गुड मॉर्निंग, सुबह की नाम तो सुबह की नमस्ते। आई होप आप सारे अच्छे होंगे, समस्त होंगे, सब टका टक होंगे। ढेर सारी मस्ती जो ढेर सारे फन के साथ मैं लव बच्चा चंद में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूँ और स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग की फैमिली अच्छी होगी और स्वस्थ होगी, क्योंकि भाई यही जिंदगी है। और मतलब नहीं, मेरे ब्लॉग आ तो रहे हैं लेकिन मैं कंटिन्यू थोड़ा फेस्टिवल चल रहे थे तो उनमें थोड़ा बिजी था चल रहा था। लेकिन इंसान अगर किसी को कुछ ना बोले तो इंसान लोग ना उसके सिर पे चल जाते हैं, वो सोचते हैं यार इसको क्या, कोई इसे कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन बार बार बोला जा रहा है लेकिन मैं इग्नोर कर रहा था उन चीज़ों को। यार कमेंट में मुझे बोल देते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये तो यार हमारे जो भगवान होते हैं उन पे भी बोलने लगे। और लेकिन और ये अपने देश से नहीं है, एक्चुअली बता देता हूँ देश से नहीं है। मैंने तो यार हुआ यूँ था कि कुछ दिन पहले ना मेरी एक वीडियो आई थी, आप लोग अगर आप लोगों ने देखे हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे एक एक किसी महान शख्सियत का कमेंट आया था, बहुत प्यारा कमेंट था और अच्छा भी लगता है ऐसे लोगों को से कुछ सीखने को भी मिलता है। लेकिन यार बहुत बुरा बोलते हैं, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें भी नहीं बोली मैंने तो कभी किसी को बारे में। मैं गलती भी नहीं बोलता हूँ अपनी वीडियो में, ना मैं किसी से कि कोई हेल्प पूछाता हूँ भाई, कि मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि सबको सपोर्ट करो, सबका साथ दो और अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी मेरे पीछे लग जाते हैं यार, मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ आप लोगों को, मेरे से क्या परेशानियाँ चल रही हैं आप लोगों को भाई बता दो। मेरे ब्लॉग ऐसे कंटिन्यू वैसे आ भी नहीं रहे हैं, एक दो दिन में ब्लॉग आते हैं लेकिन उस पर भी लोग पता नहीं क्या टिप्पणियाँ कर देते हैं। और सबसे पहले कमेंट बताता हूँ क्या आया था उसका। तो भाई उसने लिखा कि शर्म करो यार, मतलब मैं शर्म की चीज़ की करूँ भाई। तो वो महान शख्सियत के मेरे बारे में कुछ बोलने लगे, तो भाई मैं उनको जानता भी नहीं हूँ और शायद मैंने उनको सब्सक्राइब नहीं, मैं उनको जानता नहीं हूँ। और वो मैंने जब उनकी प्रोफाइल खोल के देखी तो वो अदर कंट्री से निकले हमारे पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान से। देखो मैं किसी को हेल्प नहीं पूछा रहा हूँ और मेरा नाम अक्सर किसी को हेल्प पहुँचाना है। और प्लीज़ जो भी कमेंट में मेरे सब्सक्राइबर और मेरे चाहने वाले हैं, प्लीज़ किसी के प्रति कुछ ऐसी चीज़ें मत लिखना, लेकिन मैं अपनी जो चीज़ें बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। लेकिन यार उसने लिखा कि कुछ शर्म करो भाई, मैंने कुछ क्या किया है यहाँ पे, क्या मैं कपड़े उतार के नाच रहा था, या मैंने कुछ गलत शौक दिखाया अपना, या मैंने किसी के बारे में गलत बोला जो आपको बुरा लगे, मैंने आपके बारे में गलत बोला कि मैंने किसी को हिट पहुँचाई, क्या मैंने किसी को कुछ बोला यार, तब तो शर्म करो ना। जब गलती नहीं है तो बेवजह शर्म करने की क्या बात है। तो पता नहीं उन लोगों को क्या होता है, कभी बोलते हैं भाई तेरे को चीज़ नहीं आ रही, क्या है यार मेरे को कुछ नहीं आता है भाई, मैं तो सीखने आया हूँ फिर भी मेरे को कुछ नहीं आता। मैं कब बोलता मेरे को कुछ आता है, मैंने कभी वीडियो में बोला मेरे को आता है, मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं बस यहाँ पे अपनी जो मुझे अच्छा लगता है वो काम करता हूँ, आप लोगों को क्या है। लेकिन सच में ना तुझे बता दूंगा मैं मेरे साथ कि ये चीज़ें की मेरे पास कमेंट करके यार ऐसी चीज़ें बोल रही है, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे, तो तुझे आनी चाहिए शर्म, क्यों मैसे क्या है शर्म यार, तुझको आनी चाहिए। तू क्या लिख रही है एक लेडीज होके, हाँ उसका नाम नहीं बताऊंगा, आप उसका डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो का लिंक दूंगा, वहाँ पर जाके उसका कमेंट देख सकते हो क्या लिखा था उसने, बहुत प्यारा कमेंट है और देखने में ऐसी भी आती है। लेकिन और यार मेरे देखो मेरे पाकिस्तान से बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और मैं जिनकी वीडियो वॉच करता हूँ वो मेरी वीडियो वॉच करते हैं, बहुत प्यारे हैं। तो मोहतरमा जी आपको रिप्लाई मिल गया होगा और मैं आपको मेंशन भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको क्यों यार वैसे ही क्यों मैं आपको आप पब्लिक रूम में आपका नाम भी बताऊँ लोगों को। लेकिन तू अगर मेरी वीडियो वॉच करती होगी तो देख लेना तेरी लिए वीडियो है और तूने मेरे को कुछ बोलना था, खासकर तेरे लिए मैंने वीडियो बनाई ना कि और किसी के लिए, क्योंकि इतने प्यारे कमेंट आते हैं लोगों के, अच्छा लगता है मुझे तो बहुत सारे अच्छे कमेंट आते हैं। लेकिन तू है ना मेरे को तूने मेरे को गलत बोल दिया, क्या बात है, मैं तेरे को गलत बोलता हूँ कमेंट, मैं किसी को कमेंट में गलत नहीं बोलता जाके, लेकिन मुझे बोलती है क्यों भाई, हाँ क्यों बोलते हो, मैंने कुछ बिगाड़ा है आप लोगों का, अभी बिगाड़ा है तो प्लीज़ बता दो। वैसे ही यार ऐसे किसी को कुछ बोल देना लेकिन कोई बात नहीं, किसी को हेल्प में दे जाना, हम बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के लिखा होगा। लेकिन धर्मों का सम्मान करो यार,
खुशियाँ लो यार, खुशियाँ दो। देखो तुम्हें, तुम भी आगे बढ़ो और हमें भी आगे जाने दो। तुम भी अपना काम कर लो, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। तुम भी एक पड़ोसी देश से और मैं भी एक पड़ोसी देश से, और मेरे बहुत सारे वहाँ से जो अच्छे से सब्सक्राइबर हैं मुझे वीडियो वॉच करते हैं, और मैं भी वीडियो वॉच करता हूँ। बहुत प्यारे लोग हैं। तो देखो मैं किसी के भी कमेंट जाके इस चीज़ें नहीं बोलता, और मेरी बहुत ये मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, किसी एक शख्स को बोल रहा हूँ जिसने मेरे को ये चीज़ें बोल दी है। लेकिन मैं आधे से ज़्यादा लोगों के ना कमेंट को इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन मुझे उसका कमेंट कुछ ऐसा लगा, मैंने सोचा कुछ उसका रिप्लाई देना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा था अपने शेड्यूल में। मेरे पास बहुत सारी वीडियो थी जो मुझे अब लोगों तक पहुँचानी थी, उसके बाद मैं सोचा कि फ्री होकर मैं इसको रिप्लाई दूँगा अच्छे से। तो आप जैसे भी देख सक समझते हो मेरे बारे में, कुछ समझते ना, मैं आपके बारे में कुछ नहीं समझता, ठीक है, मेरे बारे में खुलता समझती हो तो हाँ, मैंने कुछ तेरा नहीं बिगाड़ा। उम्मीद करता हूँ तुझको ये चीज़ें सारी समझ में आई होगी। देखो प्यार सा मैंने कोई आपको अभी भी चीज़ें गलत नहीं बोली हैं, तो क्योंकि मेरा मुझे नहीं अच्छा लगता किसी को हर चीज़ें हर्ट करना। लेकिन समझ जाओ मैं अगर अच्छे वाला दोस्त निकाल के लेके आ, मजबूर मत करो, नहीं तो अरे अच्छे वाला दोस्त आएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, और निकलेंगी तो भाई बात दूर तक जाएगी। ऐसी चीज़ें मत बोलो, मैं आपकी वीडियो में कुछ नहीं बोलता, मेरी वीडियो में कुछ मत बोलो, क्योंकि कितनी बार इग्नोर करूँगा यार, इग्नोर करने की हद हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में। एंजॉय करें, मस्त रहे और सुखी रहे। बाकी तो सब मोम आया है, क्या लेके आए, क्या लेके जा रहा है, तो यहीं ले जाना सारा कुछ। और ख़ासकर मुझे ऐसे कमेंट बार फिर नहीं देखने चाहिए। बाय।